नमस्कार दोस्तों, GSTR 3B में नया चेंज किया गया है। नया टेबल 3.1.1 इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, GST Act के अंतर्गत सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 दिया गया है, जो क्या कहता है कि यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई की जाती है तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर स्पेसिफाइड सर्विस पे GST पे करता है, जैसे कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अकोमोडेशन सर्विस, हाउसकीपिंग सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस एक्स्ट्रा। तो इसके लिए नया नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 सेंट्रल टैक्स के द्वारा, जिसके द्वारा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर और रजिस्टर्ड पर्सन को ये सप्लाई रिपोर्ट करनी होती थी, जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत की जाती है GST Act के अंतर्गत। तो इसके लिए नया टेबल इंसर्ट किया गया है GST Act 3B में, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। ये डिटेल ई कॉमर्स ऑपरेटर को फर्निश करनी है कि कितनी सप्लाई उसके थ्रू की जाती है जिस पे कि GST उसे पे करना है, और जो रजिस्टर्ड व्यक्ति ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे कि GST ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत, तो वो सप्लाई अब आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी होगी इस टेबल के अंतर्गत, यानी कि 3.1.1 सब क्लोज 2 के अंतर्गत। दोस्तों, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो सप्लाई यहाँ पे रिपोर्ट करनी है टेबल 3.1.1 में, वो टेबल 3.1A के अंतर्गत रिपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि जो एप्लीकेबल टैक्स होगा इस सप्लाई का वो यहाँ पे इसी टेबल के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाएगा ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, और ये जो टैक्स होगा वो कैश में ही पे करना होगा। इसके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकता। इसके अलावा जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं जो कि ऐसी सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं जो कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत आती है, उन्हें भी ये सप्लाई यहाँ पे टेबल 3.1.1 सब क्लोज 2 के अंतर्गत ही रिपोर्ट करनी है, और वो सप्लाई अब टेबल 3.1A में रिपोर्ट नहीं करेंगे GST Act 3B में, और रजिस्टर्ड व्यक्ति को इसके ऊपर GST पे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर ही इसके ऊपर GST पे करेगा। तो जो टेबल 3.1.1 है वो अगस्त 2022 से, यानी कि 1 अगस्त 2022 से GST पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा चेंज किया जा रहा है वो है GST 1 में आपको HSN कोड भी रिपोर्ट करने होंगे, 4 डिजिट लेवल तक या फिर 6 डिजिट लेवल तक। तो इसके लिए GST 1 में जो टेबल नंबर 12 दिया गया है उसे अमेंड किया जा रहा है। दोस्तों, GST पोर्टल पर फेस वाइज HSN कोड की रिपोर्टिंग थी, यानी कि यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में उसे मैंडेटली 2 डिजिट लेवल तक HSN को रिपोर्ट करने होते थे गुड्स एंड सर्विसेज के। तो यहाँ पे मैनुअल यूजर एंट्री अलाउड थी, एंटरिंग HSN और डिस्क्रिप्शन जो आप एंटर कर सकते थे, और अलर्ट मैसेज जो है वो आपको दिखाई देता था यदि आप मैनुअली HSN कोड एंटर करते हैं। लेकिन जो है टैक्स पेयर GST 1 फाइल कर सकते हैं मैनुअल एंट्री के बाद। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी वो 4 डिजिट लेवल तक HSN कोड रिपोर्ट करते थे GST Year 1 में, और यहाँ पे भी मैनुअल यूज़र एंट्री अलाउड थी एंटर करने के लिए HSN और डिस्क्रिप्शन को, और वार्निंग और अलर्ट मैसेज है वो भी शो किया जाता था यदि आप इनकरेक्ट जो है HSN कोड एंटर करते थे। जो टैक्स पेयर यहाँ पे भी GST 1 फाइल कर सकते थे मैनुअल एंट्री को करने के बाद, लेकिन अब पार्ट 2 इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि अभी यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी तो उस केस में से मैंडेटरी होगा कि वो 6 डिजिट लेवल तक HSN कोड जो है वो रिपोर्ट करे। तो फेज 2 एंड फेज 4 जो है जल्द ही कम्युनिकेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो फेज 1 था वो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2022 से लागू था, और अब 1 अगस्त 2022 से पार्ट 2 भी लागू किया जा रहा है जो है, यानी कि अब टैक्स पेयर को GST 1 के टेबल नंबर 12 में रिपोर्टिंग करनी होगी यदि इसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 6 डिजिट लेवल तक HSN कोड एंटर करने होंगे। वो मैनुअल यूजर एंट्री भी कर सकता है, और यदि रॉन्ग HSN कोड रिपोर्ट करेगा तो उस केस में वार्निंग मैसेज उसे दिखाई देगा, और टैक्स पेयर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो करेक्ट HSN कोड एंटर करे ताकि उसे एरर ना आए। तो दोस्तों, ये आप प्रेस रिलीज डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।
यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।